हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जैसे हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का या फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा था कि किस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि एक जो फंक्शन हमने जिसका सिंगल हमने उसको उसका डेरिवेटिव हमने निकाला था, उसको हम दोबारा से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये हमें कोई इक्वेशन दी गई है, कोई फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हमने इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है या जब हम इसको फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट इसको करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि d by dx of कि f of x, मतलब जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे d by dx of, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर देखनी है, पावर कितनी है, दो, ठीक है। वो पावर कहाँ जाती है, आगे आएगी, ठीक है। तो ये बनेगा दो एक्स, अब दो में से एक क्या कितना बचेगा, एक, तो यहाँ पे पावर कितनी है, एक, तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद माइनस, यहाँ पावर देखनी है कितनी है, एक, वो आगे आ जाएगी तो एक गुना चार चार बन जाएगा। उसके बाद वन माइनस वन बनेगा, ठीक है, वो ना जीरो। तो जैसा हमने कल किया था कि कोई भी नंबर जिसकी पावर जीरो है उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो एक्स की पावर जीरो हमारा बन गया वन, तो यहाँ पे आएगा चार। और कोई भी नंबर जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू आती है जीरो, तो ये आएगा जीरो। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा टू एक्स माइनस फोर। यहां तक हमने वही किया जो हमने कल वाली वीडियो में भी किया है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग एक बार जो डिफरेंशिएट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। अब हम आज की वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो कि हम दो बार डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, ठीक है। आज हम निकाल रहे हैं कि इस तरह डी स्क्वायर ऑफ डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि जो हमारा फंक्शन है उसको मैं जब एक बार ही उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जब जो हमारे पास आंसर आया, जब हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा टू टाइम डिफरेंशिएट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करना है इस तरह से, ठीक है, बट यहाँ पे आएगा डैश, क्योंकि जो फंक्शन उसको हमने एक बार ही डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा इस तरह से डैश करके, वो वैल्यू हमने यहाँ लिखनी है जो हमारे पास एक बार डिफरेंशिएट करके आएगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इस तरह से और ये वैल्यू लिखनी है, और डिफरेंशिएट हमने वैसे ही करना जैसे हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पावर देखनी है, एक्स की पावर है एक, वो आगे आएगी, ये बन जाएगा दो, फिर ये बनेगा एक्स की पावर जीरो जिसकी वैल्यू होती है वन, तो हमारे पास दो ही आएगा। उसके बाद माइनस चार, तो चार हमारा एक नंबर है, ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसकी डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो होती है जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो, फाइनल आंसर आएगा टू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव उसको निकालते हैं या उसको दो बार ही डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया गया था या कोई इक्वेशन दी गई थी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या हमने उसको एक बार जो डिफरेंशिएट है उसको वो किया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2x माइनस 4। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है या इसको दूसरी बारी भी डिफरेंशिएट करना, तो हम किस तरह कर सकते हैं। पहले आपने जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डी बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो अब हम इसको स्क्वेयर कर देंगे कि हम इसको दो बार निकाल रहे हैं ना, बट जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है जो हमारे पास फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके आई थी, ठीक है। हमने उसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया दो, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो डेरिवेटिव हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और करते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है वो है बुक में दिया गया है कि 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जिसकी वैल्यू उस तरह से दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, df और dx मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे df और dx और ये पूरी इक्वेशन यहां लिखेंगे। इस तरह से उसके बाद अब जैसा मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे देखना पावर कितनी है, 3। 3 को आपने आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 हो गया 12। उसके बाद एक्स लिखना है, 3 में से 1 लेस करना है क्योंकि पावर में से 1 हमेशा ही माइनस होगा। ठीक है, 3 में से क्या 2, ये आपका आ गया 12x2। उसके बाद माइनस का साइन, यहाँ पे पावर देखनी है कितनी है, 2 × 6 ये हो गया 12। फिर एक्स लिखना है, उसके बाद यहाँ पावर कितनी है 2 में से क्या 1, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब 72 लिख लो, एक्स की पावर कितनी है 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 72 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 में से गया 0, तो एक्स की पावर 0 उसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो यहाँ आएगा 72 × 1 यानी 72 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बनेगा 0। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो है 12x² - 12x - 72। ये तो हमारा बना f'x, जो हमने फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया। अब हमने इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा इस तरह से आएगा। अब हमने क्या करना है, ये पूरी इक्वेशन यहाँ लिखनी है। ठीक है, 12x² - 12x - 72। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करना है, यहाँ पावर देखनी है और नंबर देखना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 × 2 = 24। फिर x लिखना है, उसके बाद 2 में से क्या 1, तो x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 12 लिखना है, फिर से आपने यहाँ देखना है x की पावर कितनी है 1, 1 में से क्या 0, तो x की पावर 0 = 1, ये हमारा रहेगा 12 ही। उसके बाद -72, किसी भी नंबर का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हमारा 0 होता है, तो ये बन जाएगा 0। हमारा फाइनल आंसर बनेगा 24x - 12। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया क्योंकि हम एक क्वेश्चन पहले इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से हमने इसका आंसर निकालना है। आपने जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको डिफरेंशिएशन निकालना आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव उसको किस तरह से निकालते हैं। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।